हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर खुशी ई एजुकेशन। तो बच्चों, हमारा आज का विषय है हिंदी। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक वचन और अनेक वचन। तो बच्चों, चलिए अब हम स्क्रीन पे एक चित्र देखते हैं। उस चित्र में कुछ वाक्य लिखे हैं, हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, चित्र में हमारा पहला वाक्य है, मैंने पुस्तक पढ़ डाली, ठीक है। अब हम दूसरे वाक्य को पढ़ेंगे। दूसरा वाक्य है, अर्चना ने पुस्तकें भेंट की। अब ये जो दो वाक्य है, इनमें एक शब्द समान है और वो है पुस्तक। मतलब ये दोनों वाक्य पुस्तक इस शब्द से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन पहले वाक्य में पुस्तक है और दूसरे वाक्य में पुस्तकें हैं। तो पुस्तक सुन के क्या लगता है कि वो कितनी पुस्तक होगी? एक पुस्तक। और पुस्तकें सुन के हमें क्या लगता है, हमें क्या समझ में आता है कि वो एक पुस्तक है क्या? नहीं, वो एक से ज्यादा पुस्तकें हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरा चित्र देखते हैं। देखिए, चित्र का पहला वाक्य जो है हमारा, वो है, मछली जल की रानी है। अब हम दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। दूसरा वाक्य है, मछलियां जल में तैरती है। अब ये दो वाक्यों में एक शब्द समान है, वो कौन सा है? मछली। यानी दोनों वाक्य मछली इस शब्द से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले वाक्य में लिखा है मछली और दूसरे वाक्य में लिखा है मछलियां। तो मछली सुन के हमें क्या समझ में आता है कि वो एक मछली है। लेकिन जब हम मछलियां सुनते हैं तो समझ में आता है कि एक से ज्यादा मछलियां हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने देखा, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं एकवचन। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं अनेकवचन। जैसे कि हमने देखा, पुस्तक पुस्तके, मछली मछलियां। तो चलिए अब हम ऐसे ही कुछ और शब्दों को देखते हैं, ठीक है। पहला शब्द है चूड़ी, चूड़िया। दूसरा शब्द है आंख, अनेकवचन क्या होगा? आंखें। तीसरा शब्द है घोड़ा, घोड़े। हमारा चौथा शब्द है पतंग, पतंगे। और हमारा पांचवा शब्द है लड़का, लड़के। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जो एक वचन और अनेक वचन में समान रहते हैं। तो बच्चों, हम और कुछ वाक्य देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, स्क्रीन पे जो चित्र आ रहा है, इसका पहला वाक्य है, फूल सभी को अच्छा लगता है। और दूसरा वाक्य है, गुलदस्ते में कई फूल हैं। तो बच्चों, दोनों वाक्य में फूल के बारे में कहा गया है। लेकिन जब एक वचन है, जब एक फूल है, उसको भी फूल ही कहा गया है। और जब एक से ज्यादा फूल है, उसको भी फूल कहा गया है। लेकिन जो हमारा दूसरा वाक्य है, जहाँ पे एक से ज्यादा फूल है, जैसे कि हमने देखा ना कि गुलदस्ते में कई फूल है, तो जब एक से ज्यादा फूलों के लिए यहाँ पे एक विशेषण बताया गया है कि जो है कई, मतलब हमको इसे समझ में आ रहा है कि गुलदस्ते में कई फूल है, एक से ज्यादा फूल है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा चित्र। देखिए, इसमें इस चित्र का पहला वाक्य क्या है, पेड़ पर पंछी बैठा है। और दूसरे वाक्य में लिखा गया है, आकाश में अनेक पंछी उड़ रहे हैं। अब दोनों वाक्य में पंछी के बारे में बताया गया है, बहुत सारे पंछी है, उनके लिए एक विशेषण यूज किया गया है, वो है अनेक पंछी। क्योंकि आकाश में एक पंछी दिख रहा है क्या हमें? नहीं,
आकाश में एक से ज्यादा है, मतलब अनेक पंछी है, इसलिए वहां पे कहा गया है अनेक पंछी। अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनका एक वचन और अनेक वचन समान होता है। पहला शब्द है फल, दूसरा शब्द है कागज, तीसरा शब्द है तालाब और चौथा शब्द है बाजार। तो बच्चों अभी टाइम है होमवर्क का। हमारा आज का होमवर्क है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों के आप अनेक वचन बताइए। देखो पहला शब्द है बाल्टी, दूसरा शब्द है खिड़की और तीसरा हमारा शब्द है तारा। आपको क्या करना है, ये जो शब्द दिए गए हैं इनका अनेक वचन लिखना है या बताना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर टू जिसमें आपको दिए गए शब्दों का एक वचन बताना है। पहला शब्द है घड़िया, दूसरा शब्द है कुर्सिया और हमारा तीसरा शब्द है साड़िया। आपको क्या करना है, दिए गए शब्दों का एक वचन बताना है। आपको याद तो होगा ही, आप जब ये होमवर्क करेंगे तब आपको अपना एक वीडियो बनाना है और अपने क्लास टीचर को व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो बच्चों अब हम देखेंगे इस एक वचन और अनेक वचन को बेहतर तरीके से समझने के लिए फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया का एक छोटा सा गाना देखेंगे।